स्कूल वीडियो आ चुका है और आप रिएक्शन वीडियो देखते हैं तो 40 सेकंड स्किप करके इस की बात करें ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना कि जैसा ने जो कि अनाउंस कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया टीम जो कि पाकिस्तान खेलने जा रही है और यह तक पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए दिखेंगे पाकिस्तान में। तो अभी तक जैसा ने ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है पाकिस्तान में जो कि इंडिया टीम खेलने चाहिए, यह सब पाकिस्तानी मीडिया जो कि अभी फेक न्यूज़ चला रहा है। और बात करें ऐसा विराट कोहली की तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि T20 क्रिकेट से जो कि संन्यास ले लिया है, अब वो जो कि ODI फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जो कि 2025 जो कि 50-50 ओवर की होने वाली है तो उसमें यह तो डेफिनेटली है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान होगी या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगी यह अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो पाकिस्तानी मीडिया पहले से ही अफवाह फैला रहा है, तो क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया, तो पहला ब्रेक लोग इस बात के चैनल पर नए चैनल को जरूर सीखते हैं। बात करें जब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अब जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी जो कि 2025 में जो कि 50-50 ओवर की जो कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो पहले ही पाकिस्तानी मीडिया जो कि खुशियाँ बना रहा है कि इंडिया जो कि पाकिस्तान में जो कि खेलना आएगा चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि ICC का टूर्नामेंट है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर बार की तरह इंडिया जो कि लास्ट में आकर पूरी तरह जब पाकिस्तान को धोखा देता है और फिर किसी भी न्यूट्रल वैल्यू पर जो कि चला जाता है। पिछली बार भी जो कि एशिया कप जो कि पाकिस्तान में था लेकिन फिर इंडियन टीम ने लास्ट में मना कर दिया, फिर वो एशिया कप जो कि न्यूट्रल वेन्यू जो कि श्रीलंका में खेला गया और इंडिया के सारे मैच जो कि श्रीलंका में हुए, कुछ इसी प्रकार से चैंपियंस ट्रॉफी भी लास्ट में आकर जैसा जो कि पूरी तरह से जो कि मना कर देगा और यह किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जो कि खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह मान रहा है कि ICC का इवेंट है तो कोई भी जैसा हो या BCCI हो ICC के सामने नहीं चल सकता। लेकिन वैसा BCCI सबसे अमीर बोर्ड है, ICC को भी वैसा पैसे देकर पूरी तरह से अपने हैंडल में कर लेगा और चैंपियंस ट्रॉफी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो कि करा देगा। और बात करें वैसे विराट कोहली के रोहित शर्मा के जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से वैसा इंडिया में जो कि माहौल बन गया है और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इस सुनहरे मौके पर जो कि अपना रिटायरमेंट जो कि अनाउंस कर दिया है। अब विराट कोहली आपको जो कि T20 करियर और रोहित शर्मा दोनों जो कि खेलते हुए नजर में आएंगे। विराट कोहली ने यह कहा कि अभी कुछ इन्वेस्टर को मौका देंगे, हम सीनियर प्लेयर अब जो कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इसको लेकर भी जब पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि अब विराट कोहली आपको कोई भी क्रिकेट में जो कि खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन विराट कोहली अभी जो कि T20 क्रिकेट में जो कि संन्यास लिया है रोहित शर्मा ने दोनों ने, अब वो जो कि 50-50 ओवर और जो कि टेस्ट मैच जो कि दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि ODI में होने वाली है तो इसमें भी भारतीय टीम के जो कि दोनों प्लेयर जो कि खेलते हुए नजर आएंगे और फिर बाद में जो कि 2025 में जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है तो उसमें भी भारतीय टीम के ये दोनों खिलाड़ी जो कि नजर आएंगे। और ये दोनों इंडिया टीम जीतती है तो ये दोनों वनडे के लिए और पूरे ऑल फॉर्मेट से जो कि संन्यास ले लेंगे। लेकिन अभी जो कि पाकिस्तानी मीडिया ये अफवाह फैला रहा है यह सब पूरी तरह से रॉन्ग अफवाह है। अभी तक जैसा ने जो कि कोई भी अनाउंस नहीं किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो कि पाकिस्तान जा रहे हैं। और अभी इंडियन टीम तो जो कि वेस्ट इंडीज से भी अभी तक इंडिया नहीं आई है क्योंकि वहाँ बारिश के कुछ मसले चल रहे हैं, इसी के कारण जो कि फ्लाइट जो कि नहीं चल रही हैं, इसी कारण जो भारतीय टीम होटल में ठहरी हुई है। अगर भारतीय टीम जो कि आती है इंडिया तो फिर बाद में जो कि जैसा अनाउंस करेगा। तो आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।